Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Ashutosh and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 8th की जो क्वेश्चन एंसर की वीडियो सीरीज में लेके आया हूँ उसमें चैप्टर 11 की ऊपर है, यानी कि जो चैप्टर 11 है क्लास 8th का जिसका नाम है My First Role in Life, उसके क्वेश्चन एंसर के ऊपर है। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आपने इससे पहले एक 11th नंबर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मेरे वीडियो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं 11th चैप्टर, और आपके सहूलियत के लिए मैं उस वीडियो का लिंक भी इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वॉज द नेम ऑफ द प्ले, है ना। जो चैप्टर है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ, उस चैप्टर में जो प्ले जो नाटक निभाया जा रहा है नाटक किया जा रहा है उस नाटक का नाम क्या है, उसका नाम है श्रवण कुमार। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ओनली वन वर्ड में आंसर देना है, इसलिए एक वर्ड में आंसर है, छोटे आंसर्स होंगे इसके। दूसरा क्वेश्चन है हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार का रोल किसने अदा किया, तो द राइटर जो लेखक है ना उसने ही श्रवण कुमार का रोल अदा किया था इस कहानी में। नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, तो इस कहानी में जो नाटक के बारे में बताया गया है उस नाटक का डायरेक्टर कौन था, तो उस नाटक का डायरेक्टर जो था एक 9th क्लास का स्टूडेंट रहता है ना। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन की फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज, अब उस नाटक में जो दशरथ राजा दशरथ जो है ना वो किधर से आते हैं स्टेज पे, है ना, तो उसके बारे में बताना है। तो बिहाइंड द कर्टन मतलब पर्दे के पीछे से निकल कर आते हैं राजा दशरथ। हु वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल कौन निभा रहा था, तो टू बॉयज माता पिता दोनों मतलब लेडीज जेंट और मेन लेडीज और जेंटलमैन दोनों का किरदार जो दो लड़के ही निभा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर थिंक एंड राइट जो टिक द राइट ऑप्शन पे करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है कि द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज, मतलब जो प्ले यानी कि जो नाटक था उसका लीड कैरेक्टर यानी कि मुख्य भूमिका कौन निभा रहा था, तो वो जो होगा आंसर श्रवण कुमार, क्योंकि ना ही दशरथ थे ना ही बलराज ना बोधराज, तो नाटक का मुख्य किरदार कौन था, श्रवण कुमार था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि बोधराज प्लेड द रोल ऑफ क्या, अच्छा बोधराज जो लड़का था ना उसने किसका किरदार निभाया था, फादर का नहीं, अंकल का नहीं, ग्रैंडफादर का नहीं, मदर का, हाँ उसने बोधराज ने माता का रोल निभाया था, मतलब अंधे माँ बाप में ना माँ का रोल निभाया था बोधराज ने। द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर जो अंधे माता पिता थे नाटक में वो क्या थे, क्या थे इन द सेंस, नर्वस थे क्या, नहीं, हंग्री थे या भूखे थे, नहीं, टायर्ड थके हुए थे, नहीं, थर्स्टी हाँ वो प्यासे थे, तो आंसर होगा थर्स्टी। चौथा है कि द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वॉज, जो श्रवण कुमार की आवाज़ की जो हाई पिच थी वो कैसी थी, प्लीजिंग थी मतलब आनंदमय थी, नहीं, एनोइंग थी मतलब चिड़चिड़ापन भरा था, स्टनिंग थी यानी कि बोल्ड थी मतलब ऊंचे स्वर में थी, और चार्मिंग थी मतलब अच्छी थी, तो नहीं स्टनिंग होगा यानी कि थोड़ी भारी भरकम आवाज़ थी उनकी श्रवण कुमार की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड व्हाई, मतलब राइटर ने यानी कि जो लेखक है इस कहानी का उसने उस नाटक में कौन सा रोल अदा किया था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसमें ही है कि व्हाट इम्प्रेस द राइटर मोस्ट एंड व्हाई, मतलब किस चीज़ से जो राइटर लेखक था वो अति प्रभावित हुआ और साथ ही साथ क्यों हुआ, तो आंसर है पहला कि व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, कि द राइटर प्ले द रोल ऑफ श्रवण कुमार, राइटर ने श्रवण कुमार का रोल अदा किया। दूसरी चीज़ द स्पेक्टिकल्स ऑफ डायरेक्टर इम्प्रेस द राइटर मोस्ट बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड हिम इज कैपेबिलिटीज, मतलब देखा जा रहा था कहानी में कि लेखक को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ भाई थी नाटक में, तो लेखक को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द स्पेक्टिकल ऑफ डायरेक्टर, अब डायरेक्टर कौन था, वो 9th क्लास का स्टूडेंट था जिसने नाटक का
नाटक को डायरेक्ट किया था, उसके जो स्पेक्टिकल्स थे, उसके जो चश्मे थे, वो लेखक को बहुत अच्छे लगे। वो लेखक उससे इम्प्रेस हो गया, प्रसन्न हो गया, है ना, प्रभावित हुआ। द राइटर मॉस बिकॉज वो इसलिए रीजन क्या था, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट हिम हिज कैपेबिलिटी, मतलब लेखक को ऐसा लगता था कि वो चश्मे उनकी उनके पास होना चाहिए था, क्योंकि वो कार्य क्षमता इनके पास थी, इस वजह से वो चश्मा उनके पास होना चाहिए क्योंकि उसी को भाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द स्टेज डेकोरेटेड। अब जो स्टेज था नाटक के लिए, वो किस तरीके से डेकोरेट किया गया था, किस किसके हेल्प से सजाया गया था, किस किस चीज़ों से सजाया गया था, क्या लगाया गया था। तो आंसर होगा कि द स्टेज वॉज डेकोरेटेड विद द धोतीज एंड सारीज ऑफ फादर, मदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द प्लेयर्स। प्लेयर्स इन द सेंस कि जो नाटक करने वाले हैं उनको प्लेयर्स बोला जा रहा है। तो नाटक करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स थे, उनके ही माता पिता और बहनों की साड़ी और धोतियों को यूज़ करके स्टेज को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू डू। मतलब डायरेक्टर जो कि एक 9th क्लास का स्टूडेंट था, उसने दो बच्चों से क्या बोला। देखिए, द डायरेक्टर इंस्ट्रक्टेड द टू बॉयज़ नॉट टू ओपन देयर आइज। मतलब ये दो बच्चे वही हैं जो माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं, तो उन्हें उस लड़के ने, डायरेक्टर ने बोला था, आदेश दिया था कि दोनों बच्चों को कि अपने आँखों को वो ना खोलें, एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। और अपने आँखों को बंद किए हुए वो ऑडियंस की तरफ अपना फेस कर बैठे रहें, सेंटर में, स्टेज के सेंटर में बैठे रहे, है ना। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक 7 कुमार टू बी। मतलब व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक 7 कुमार टू बी। मतलब जो राजा दशरथ थे, वो 7 कुमार को, मतलब राजा दशरथ जो थे वो 7 कुमार को क्या समझे, क्योंकि इस कहानी में ऐसा था कि 7 कुमार पानी भरने के लिए नदी के किनारे गए थे, तो आवाज़ आई थी और राजा दशरथ जो थे वो शिकार करने आया था, तो उन्हें क्या लगा जब 7 कुमार आए थे, तो उनको 7 कुमार के बजाय उन्हें कैसा आभास हुआ। तो आंसर होगा कि किंग दशरथ थॉट 7 कुमार टू बी एन एनिमल पॉल्यूटिंग द रिवर वाटर। मतलब 7 कुमार को तो उन्होंने देखा नहीं था, राजा दशरथ ने अनुमान लगाया था कि ये 7 कुमार के बजाय उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक जानवर है जो कि पानी, नदी के पानी को गंदा कर रहा है, तो उन्होंने 7 कुमार के बजाय किसी जानवर को समझा था। चलिए, अब आगे है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड्स, अबाउट 70 वर्ड्स, मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ट ऑन गेटिंग द लीड रोल, व्हाट एफर्ट्स डिड द एक्टर्स ऑफ द प्ले पुट इन। मतलब जो लड़का जिसको लीड रोल मिला, यानी कि जो राइटर ही था, उसको लीड रोल मिलने पे आपको कैसा लगता है कि वो क्या फील कर रहा होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा कि व्हाट एफर्ट्स डिड द एक्टर्स ऑफ द प्ले पुट इन, मतलब जो बाकी के किरदार थे, बाकी के जो प्लेयर्स थे, नाटक के किरदार थे, उन्होंने अपनी किस तरीके से अच्छी मतलब भूमिका निभाई उस प्ले में, नाटक में। तो आंसर है द बॉय वॉज वेरी सीरियस टू हिज रोल एंड अदर एक्टिविटीज टू। जो लड़का था, यानी कि जो मेन किरदार निभा रहा था, जो कि लेखक है, वो बहुत ही सीरियस था अपने रोल को लेकर, यानी कि बहुत ही गंभीर था अपने रोल को लेकर, किरदार को लेकर, और साथ ही साथ वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी ऐसे ही एक्टिव रहता था। ही प्लेड हिज रोल वेरी कॉशियसली, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक उसने अपना रोल निभाया। ही वॉज वेरी अटेंटिव टू द स्पेक्टेटर्स रिमार्क, है ना, और साथ ही साथ स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, यानी कि दर्शकों के जो रिमार्क्स, यानी कि फीडबैक जो देते हैं, उस पे वो बहुत ही अटेंटिव था, मतलब बहुत ही सतर्क था, यानी कि वो हर एक बारीकियों को ध्यान दे रहा था कि लोग कैसे हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। और द एक्ट देयर फोर आई फाइंड द फीलिंग ऑफ द बॉय ऑन गेटिंग द डेड रोल, है ना। तो वही बात है, सॉरी, डेड नहीं होगा, लीड होगा, ठीक है, कि आई फाइंड द फीलिंग ऑफ द बॉय, इसी वजह से, मतलब इतनी सारी खूबियों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो लड़का है जिसको लीड रोल दिया गया था, उसने वो बहुत अच्छा किरदार निभाया है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट एफर्ट डिड द एक्टर्स ऑफ द प्ले पुट इन, तो द एक्टर्स पुट देयर डायरेक्टेड एफर्ट इन, मतलब उन्होंने अपनी पूरी पूरी भूमिका, मतलब पूरा पूरा अपना 100% दिया अपने किरदार को निभाने में, प्ले में। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है कि वाई वेयर द ऑडियंस गिगलिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले। गिगलिंग का मतलब होता है हंसना, है ना, धीमे धीमे हंसना। तो ऑडियंस जो थी वो क्यों हंसने लगी प्ले के मिडल में, यानी कि नाटक जब चल रहा था उसी उसके मध्य में ही सारी ऑडियंस क्यों हंसने लगी, जनता क्यों हंसने लगी। द एक्टर्स प्लेइंग द रोल ऑफ ब्लाइंड पेरेंट ऑफ श्रवण कुमार फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज। अब देखिए ये तो नाटक चल रहा है, नाटक में जो माता पिता का रोल कर रहे थे लड़के, उनको आंख बंद करके बैठे रहना था, तो ये बहुत उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था, है ना, कि वो अपनी आँखें क्लोज करके बैठे रहे। श्रवण कुमार के माता पिता का जो रोल कर रहे थे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। बोथ ऑफ देम वॉज कॉम्पेल्ड टू ओपन देयर आइज नाउ एंड देन सो द ऑडियंस वेयर गिगलिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले। कॉम्पेल्ड मतलब उन पे मतलब सहा नहीं गया, है ना, उन पे अंदर से प्रेशर बन रहा था कि अरे यार आंखें खोल ही दो थोड़ा, मतलब वो आंखों को बंद नहीं रख पा रहे थे। तो उन्होंने दोनों के साथ यही हो रहा था कि उनकी आंखें खुल जा रही थी बार बार, सो इसी वजह से ऑडियंस जो थी हंसने लगी थी प्ले के मिडल में ही। तीसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड द बॉय प्लेइंग श्रवण कुमार गेट अप इन द मिडल ऑफ द प्ले। अब ये क्वेश्चन है कि प्ले के मिडल में यानी कि नाटक के मध्य में ही श्रवण कुमार क्यों उठकर खड़ा हो गया, है ना। द बॉय प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार फॉरगॉट एवरीथिंग एंड फेल्ट दैट हिज रोल वॉज ओवर सो ही गॉट अप इन द मिडल ऑफ द प्ले। फॉरगॉट मतलब भूल गया। हुआ क्या कि जो श्रवण कुमार का रोल कर रहा था, है ना, वो भूल गया सब कुछ और उसको लगा कि उसका रोल, उसका जो अदाकारी था, उसका जो टाइम था, वो उसको लगा कि मेरा रोल तो ख़त्म हो गया और इसी वजह से वो बीच नाटक में ही उठ गया। इफ़ यू वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लीजिए उस श्रवण कुमार के रोल के जगह आप रोल कर रहे हो और जो ऑडियंस है वो आपको आप पर हंसने लगी, है ना, जैसे कि मिडिल में हंसने लगी थी, मतलब मध्य में नाटक के, तो उस समय आप क्या करते, आपका रिएक्शन क्या होता, ठीक है, रिएक्ट कैसे करते हैं ना। तो आंसर होगा कि इफ़ आई वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार आई वुड नॉट रिएक्ट एनी रैदर टू कीप साइलेंट बिकॉज द ऑडियंस हैव राइट टू रिमार्क। देखिए मेरे लहजे में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं रोल श्रवण कुमार का रोल निभा रहा होता तो मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करता लोगों की हंसी पे, क्योंकि रैदर टू कीप साइलेंट मैं उसके बजाय चुप रहता। और ऐसा क्यों, क्योंकि द ऑडियंस हैव राइट टू रिमार्क, रिमार्क मतलब फीडबैक देना, है ना, आपकी जो भी आपका रोल अदा कर रहे हो, आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर पूरा पूरा हक है आपके ऑडियंस का कि वो उस पर आपका फीडबैक दें, है ना, कैसा परफॉर्मेंस है, उसको रिमार्क बोलते हैं। तो इस वजह से वो हंसेंगे, कोई बात नहीं है, है ना, तो मैं चुप रहता और मैं कोई रिएक्शन नहीं देता। चलिए आगे देखते हैं, अब वर्ड स्टडी में आते हैं। इसमें यही है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे जिनके वर्ड स्पेलिंग जो है वो मिसप्लेस हैं, मतलब इधर उधर इंटरचेंज है, अब उनको सही लिखना है। जैसे परफॉर्मेंस ही है लेकिन इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, ऐसे करके मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा देता हूँ और इनके सारे करेक्ट वर्ड अब थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रोल करके। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पर है, सबके वर्ड मीनिंग यहाँ पर अरेंज अच्छे से हैं। परफॉर्मेंस, थर्स्टी, स्टॉप्ड, ऑडियंस, इमेडिएटली, एरो, स्टूडेंट, अपीयर्ड, क्लैपिंग, कर्टेन, सडनली, विस्लिंग, विस्लिंग मतलब सीटी बजाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे पढ़ते हैं कि पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच आर द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। इसमें ये करना है कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर रेड में, उनको उनके अपोजिट वर्ड्स आपको कहानी से निकालने हैं और उन पे वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपके आपके लिए कर दिया है। ब्लेस का मतलब होता है ना कि आशीर्वाद देना, और उसका उल्टा होगा कर्ज, यानी कि श्राप देना। तो द ओल्ड पेरेंट्स कर्स हिज सन, जो बूढ़े माँ बाप थे उन्होंने अपने बेटे को श्राप दिया, एक सेंटेंस हो सकता है। डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, या फिर है ना उसका अपोजिट होगा प्रीज, मतलब प्रशंसा करना। तो आंसर हो जाएगा ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज गुड वर्क, उसके अच्छाइयों के लिए उसको उसकी बड़ाई की गई। लेटर मतलब बाद में, अर्लियर इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अर्लियर में क्या होगा, द बॉय कन्फेस हिज फॉल्ट अर्लियर, मतलब लड़के ने अपना, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, तो अपना उसने गलती पहले ही कबूल कर ली, अर्ली मतलब पहले ही, रिमेंबर्ड मतलब याद किया गया, फॉरगेट मतलब भूल गया अपोजिट। तो फॉरगेट का हो जाएगा सेंटेंस, ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, यानी कि वो अपना चश्मा लाना भूल गया। फेल मतलब गिरना, रोज मतलब उठा,
ना, राइज का सेकेंड वर्ब फॉर्म है तो पास्ट वाला है। तो ही रोज अप क्विकली एंड वेंट टू बाथरूम, मतलब वो तुरंत उठा और बाथरूम चला गया, मतलब गिरा हुआ होगा तो उठ के बाथरूम चला गया। तो ऐसे करके ये खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से अरेंज करना है यहाँ पे, तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है। जैसे कि गिगल्ड, गिगल मतलब हंसना, तो सी गिगल्ड एट माई जोक्स, वो मेरी जोक्स यानी कि जोक्स पे है ना हंसी, गिगल मतलब हंसी हंसना। तो माई फादर कांट रीड द न्यूज पेपर विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मा, मेरे पिता अपने चश्मे के बिना न्यूज पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। ही केम टू मी इमेडिएटली टू हेल्प मी, वह तुरंत, इमेडिएटली मतलब तुरंत, वह मेरी मदद करने के लिए तुरंत मेरे पास आया। चौथा है कि द कमांडर मस्ट कमांड इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, कमांड मतलब आदेश देना, तो जो कमांडर है उसको जरूर, मतलब ये बहुत जरूरी है कि जो भी कमांड दे वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर वॉइस में दे। पांचवा है कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स, चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाता हूँ। आई सॉ ए क्लोन इन द सर्कस एंड बर्स्ट इन टू लाफ्टर, मतलब मैंने सर्कस में क्लोन देखा और बर्स्ट इन टू लाफ्टर, बर्स्ट इन टू लाफ्टर मतलब मैं खुल के हंस पड़ना, और मैं खुल के हंस पड़ा सर्कस में। सातवा है कि इन द रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया पीपल स्टिल फेच मतलब पानी भरना, यानी कि रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के गाँव में, भारत के दूर दराज के गाँव में अभी भी पीपल स्टिल मतलब अभी भी लोग फेच करते हैं, यानी पानी भरते हैं कुएं से जो भी है। तो ऐसे करके ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं जैसे मैंने आपको कवर करा दिए हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आप क्वेश्चन अपना क्वेरी डालें, और आगे ऐसी वीडियोस में आपके लिए लेके आते रहूँगा। आप प्लीज़ अगर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और चैनल को, और इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।